डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। कलाम बचपन में अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बेचते थे। उन्होंने सन 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बचपन में उनका सपना पायलट बनने का था। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में मशहूर थे। वह ये सीख देते थे कि चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं लेकिन तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम जी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे और वह विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान से जुड़े थे। वे DRDO और इसरो का कार्य संभाल, भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और इंडियन आर्मी मिसाइल के विकास में भी शामिल थे, इसलिए इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारत द्वारा परमाणु परीक्षण में एक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और वह कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं।